मुलायम सिंह यादव की विरासत के दो वारिस, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव में कैसे होगा बंटवारा, सौतेले बेटे प्रतीक यादव ने किया बड़ा खुलासा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद अखिलेश यादव पिता की अस्थियों को हरिद्वार और संगम में प्रवाहित कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव दुनिया से चले गए हैं, लेकिन एक बड़ी विरासत को छोड़ गए हैं, जिसे संभालने का जिम्मा दो बेटों अखिलेश यादव और प्रतीक यादव पर होगा। एक तरफ जहां मुलायम सिंह यादव करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मुलायम अपने पीछे करोड़ों कार्यकर्ता और एक बड़ी पार्टी छोड़ गए हैं, जिसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी अखिलेश और प्रतीक दोनों की। हालांकि अब ये चर्चा आम हो गई है कि मुलायम की बनाई इस विरासत का वारिस कौन होगा, किसको क्या मिलेगा, उनकी विरासत का बंटवारा कैसे होगा। तो आपको बता दें कि इसको लेकर पहली बार मुलायम के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक ने बड़ी बात कही है। प्रतीक यादव ने मुलायम की विरासत को लेकर कहा है कि बड़े भाई अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीति को संभालेंगे। प्रतीक यादव ने कहा है कि पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत बहुत बड़ी है, जिसे अखिलेश भैया आगे ले जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद प्रतीक यादव अखिलेश यादव के साथ साये के साथ चल रहे हैं। हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक अस्थि विसर्जन में वो शामिल रहे। संगम तट पर संवाददाताओं से बात करते हुए प्रतीक यादव ने कहा कि आज पूरा देश हमारे पिताजी मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा है। नेताजी की सियासी विरासत बहुत बड़ी है, जिसे अखिलेश भैया आगे बढ़ा रहे हैं। नेताजी ने पिता के तौर पर बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, उनकी शिक्षा हमारे साथ हमेशा रहेगी। अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं जी, मैं तो अपना काम मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो बहुत बड़ी है और बढ़ती रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं। बता दें कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं और बिजनेस से जुड़े हुए हैं। प्रतीक ने हमेशा से राजनीति से दूरी बनाए रखी है, लेकिन उनकी पत्नी अर्पणा यादव पॉलिटिक्स से जुड़ी हैं और इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जाकर शामिल हो गई थी। प्रतीक यादव से जब अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच रिश्ते सुधारने के संबंध में सवाल किया गया, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बता दें कि दुख की इस घड़ी में यादव परिवार में कोई भी फिलहाल राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश यादव या यादव परिवार के साथ सब आएंगे एक साथ, या फिर कुछ रास्ते में अलग ही रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।